बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और खुद को मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद पहली बार कुछ ऐसा कहा जिसने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया। सलमान खान अपने जीवन के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे और बॉलीवुड से अच्छा रिश्ता रखते थे, 12 अक्टूबर को उनकी उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई स्थित ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इन मुश्किल हालातों में भी अपने शो की वो शूटिंग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में सलमान ये कहते नजर आ रहे हैं, यार कसम खुदा की मैं अपने जीवन में क्या क्या कर रहा हूँ और मुझे इसे संभालना है। मेरी जिंदगी में जो हालात चल रहे हैं और फिर मुझे यहाँ आकर बिग बॉस के घर वालों के झगड़े सुलझाने हैं। मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो काम है वो करना पड़ता है। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर काफी परेशानी और उदासी नजर आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद सलमान के फैंस की चिंता उनके लिए काफी बढ़ गई है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।